तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखेंगे, यकीन मानो कि एंड के अंदर आपको भी मजा आ जाएगा। तो गाइस यार, हम सभी लोग जानते हैं कि भाई केले के अंदर पोटेशियम होता है, स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भैया केले खाने चाहिए क्योंकि केले के अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। लेकिन जब मैं स्कूल में था तब मैं ये सोचता था अगर केले के अंदर पोटेशियम है तो ये फटता क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस यार पोटेशियम मेटल तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन फिर मैंने और पढ़ाई की, मैंने और कुछ किताबें पढ़ी, तब मैंने ये पाया कि इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो प्योर फॉर्म के अंदर नहीं होता है बल्कि यौगिक यानी कि कंपाउंड फॉर्म के अंदर होता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसी पोटेशियम को हम उस कंपाउंड से अलग करेंगे और इस केले से बनाएंगे पोटेशियम मेटल। जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि पोटेशियम मेटल इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि अगर अपन उसे पानी के अंदर फेंकेंगे तो फेंकते ही पानी के अंदर होगा एक बहुत जोरदार धमाका। तो सोचो कि यार इस केले को जिसको अपन खाते हैं इससे हम एक छोटा सा बॉम्ब बनाने वाले हैं। यूट्यूब साइंस पर्पज के लिए कर रहे हैं ना, डिमोनेटाइज मत करना, ठीक है। तो चलो यार शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की। आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक करो, बहुत लंबा प्रोजेक्ट चलेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, नई चीज़ है। गाइस केले में पोटेशियम होता है लेकिन इतना भी नहीं होता कि इस एक केले से हम उतना पोटेशियम निकाल पाए। इसके लिए हमारे पास पूरे 15 केजी केले हैं और अब इसकी मदद से हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। शुरू हो जाओ जल्दी। अबे खाना नहीं है, काटना है इसके अंदर। गाइस छिलके के अंदर भी पोटेशियम होता है तो छिलके को भी हम नहीं फेंकेंगे, अंदर भी पोटेशियम और छिलके के अंदर भी पोटेशियम, तो सारा जितना भी निकल पाएगा उतना निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो पानी है इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टार्च मिला लेते हैं। वो स्टार्च दे भाई, उधर मोटे स्टार्च दे दे यार, क्या कर रहा है यार। जो केले के स्लाइसेस हैं वो आपस में चिपके नहीं, इसके लिए हम इसके अंदर स्टार्च डालेंगे और फिर हम इसे सुखाएंगे। सुखाएंगे इसलिए ताकि इसके अंदर का जो जितना भी पानी है वो सारा उड़ के चला जाए। तो गाइस अभी हमने केले के स्लाइसेस कर लिए हैं, स्टार्च की वजह से एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, तो इतने सारे केले के स्लाइसेस हैं और साथ ही साथ इतने सारे छिलके हैं, तो इन्हें और इन्हें दोनों को ही सुखाएंगे। लेके आओ। तो सबसे पहले हम इसे धूप के अंदर सुखाएंगे, तो जितना भी पानी इसके अंदर है वो धूप के अंदर निकल जाएगा और जो बाकी बचेगा उसे अलग प्रोसेस से सुखाएंगे। गाइस जिस तरीके से हम केलों को सुखा रहे हैं चिप्स बना के, उसी तरीके से हमें छिलकों को भी सुखाना होगा क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पोटेशियम है। ले आओ ले आओ जल्दी ले आओ। तो गाइस यार फाइनली एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया है, हमारी जो बनाना चिप्स है अभी वो आई थिंक सूख गई है और इसके अंदर जितना भी पानी इस तरीके से निकल सकता था वो निकल गया, ये देखो। तो गाइस यार अभी तो नेचुरल तरीके से हमने पानी निकाला है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन सभी केलों के चिप्स को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जलाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से सूख गए हैं, ये देखो, इन्हें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जलाएंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के लिए इन स्टील पॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले चिप्स को इसके अंदर डाल देते हैं सारी गुई। चिप्स छिलके, चलो जलाने के लिए इस तरीके के एक स्पेशल कंटेनर की हमें जरूरत पड़ेगी जिसके नीचे काफी सारे छेद कर रखे हैं जिससे राख नीचे गिर जाएगी और जो हमारे केले के छिलके और वो हैं वो इसके अंदर ही अंदर बिना ऑक्सीजन के गर्म होंगे, गर्म होके जलते जाएंगे। उससे क्या होगा, ये जो चिप्स और छिलके हैं इनके अंदर की जो हाइड्रोकार्बन की चेनें हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर टूट जाएगी। तो बेसिकली यही है, ज्यादा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, सेम इसी तरीके से दो, चलो अभी इन्हें जलाते हैं। गाइस केले की चिप्स और छिलके दोनों जल गए हैं, वजन काफी कम हो गया है। वाह यार ये चीज तो अनएक्सपेक्टेड थी, देखो कैसे कलर हो गए इसके ऊपर, है ना। ये तो है अपने छिलके, ये देखो। तो गाइस चिप्स का हाल कुछ इस तरीके का हो गया है, ये देखो। तो ये हमारी बनाना चिप्स है।
बहुत ही अजीब सा सीन हो गया इनका। चलो इसको निकालते हैं। अभी तो इसको दोबारा से जलाएंगे, लेकिन इस बार हम इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलाएंगे ताकि बची कुची जो चीजें हैं वो भी निकल जाए। गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इतना अच्छे से नहीं जल रहा है, इसीलिए हम एक एक्सटर्नल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छे से जल पाए। फ्यूल जल के उड़ जाएगा या फिर निकल जाएगा। मेरे पास यहाँ पे केरोसिन है, केरोसिन डालते हैं। सेम इसी तरीके से इन छिलकों को भी जलाएंगे। तो गाइस अब हमने सिंपली केले के छिलके और जो चिप्स थी उनकी राख बना ली है। ये देखो ये राख है और इसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें कि हमें फिल्टर आउट करना होगा। तो सबसे पहले अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। अभी सारी राख को हम इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डाल देंगे तो जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और भी जो कुछ मेटल्स हैं उनके सॉल्ट क्या होते हैं, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं तो वो पानी के अंदर घुल जाएंगे और जो भी चीज़ पानी के अंदर नहीं घुलेगी वो एक वेस्ट के तरीके से बाहर निकल जाएगी या फिर मतलब कि पानी के पैंदे के अंदर बैठ जाएगी। ये बेसिकली देसी तरीका है फिल्टर करने का। वैसे तो अलग अलग साइंस मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ये सब करने के लिए, लेकिन हम क्या है थोड़े से देसी लोग हैं, देसी कामों से देसी जुगाड़ से काम हो जाता है तो फिर फालतू क्यों दिमाग लगाना। तो ये देखो गाइस फाइनली शुरुआत में केले कैसे थे और अभी हमारे केले कुछ इस तरीके के हैं। गाइस अब जो है काफ़ी देर ऐसे ही रखा रहने के बाद जो दूसरे पदार्थ थे वो सभी नीचे इसके अंदर पैंदे पे बैठ गए हैं और जो सॉल्ट है वो सारे जो है पानी के अंदर मिक्स हो रखे हैं। तो अपन सबसे पहले इस पानी को दूसरी साइड में लेते हैं। आओ पकड़ो एक मिनट। तो पानी को अपन छान लेते हैं ताकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रह जाए। गाइज आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो है कचरा जो है वो इसके अंदर रह गया है। ये देखो मैं हाथ डाल के दिखाता हूँ आपको, ये केले हैं गाइज, ये केले थे जो कि अब इस तरीके के हो चुके हैं। ये देखो ये पता नहीं अब क्या है, ये भी कोई ना कोई चीज़ है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, बस ये है। अब ये कौन सा सॉल्ट है, कौन सा हो सकता है यार, ये क्या हो सकता है, कार्बन, ये कार्बन हो सकता है और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक पदार्थ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीएच पेपर का इस्तेमाल करेंगे और उस पेपर से इसकी एसिडिक ये कितना है ये सारी चीज़ चेक करेंगे। पहले थोड़ा हाथ धो के आ जाता हूँ। तो गाइज अभी आप जो है इसका कलर देख लो, अभी इसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके का है और जैसे ही मैं इसे इसके अंदर डालता हूँ फिर देखते हैं कि कलर कैसा होता है। बैंग। तो गाइज यार अब मैं इसकी रीडिंग पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये देखो कलर से आपको पता पड़ रहा होगा कि ये जो विलयन है ये कितना ज़्यादा क्षारीय है, यानी कितना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है ये। तो 10 से भी ज़्यादा इसकी रेटिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम ये सारी चीज़ें। तो चलो अब जो है इसे और ज़्यादा फिल्टर करते हैं, अभी तो इसको और ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा। गाइज आप देख सकते हैं कि हमने फिल्टर पेपर की मदद से भी पानी को फिल्टर कर लिया है। अब इसके अंदर से सिर्फ वही चीज़ें फिल्टर आउट हुई है जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, बाकी जो है इसके अंदर अभी भी पोटेशियम, सोडियम और कई सारे सॉल्ट्स हैं। तो एक बार फिर से मैं पीएच पेपर लेता हूँ और पीएच पेपर की मदद से चेक करके देखते हैं कि अभी भी ये जो है बेस सॉल्यूशन है या फिर नहीं, यानी कि क्षारीय है या फिर नहीं, उससे फिर से ये साबित हो जाएगा कि इसके अंदर वो सभी सॉल्ट हैं जो कि अपने को चाहिए। मैंने पेपर ले लिया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर जो है
बहुत सारा माल है जो कि अपने को चाहिए फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करने के बाद भी। स्केल देख लो गाइस, ये देखो, इसको गरम करेंगे। गरम इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, और गरम करने की वजह से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और हमें जो है जाड़ा मिल जाएगा, जाड़ा पानी जिसके अंदर हमारा जो सॉल्ट है पोटेशियम का और बाकी जो चीज़ें उसका वो हमें मिल जाएगा। तो गाइस आधा गर्म हो गया, आधा बचा हुआ इसको भी गर्म कर लेते हैं भाई। गाइस सारे पानी को बॉईल करने के बाद और उसे भी फिल्टर आउट करने के बाद लास्ट में जाके हमारे पास ये बचा है ये सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और इक्की दुखी चीजें और हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा निकालता हूँ इसके अंदर, इतना काफ़ी है। और इसके बाद में हमने ये एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाया है गाइस, इसका नाम और इसे बनाने का प्रोसेस मैं सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस की वजह से आपको नहीं बता सकता हूँ। बस इतना बता सकता हूँ कि इस सॉल्यूशन को इसमें मिलाते ही जो पोटेशियम है वो अलग निकल जाएगा और बाकी जो सोडियम है, कैल्शियम है और जो और भी कुछ चीज़ें हैं वो पानी के अंदर घुली रह जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालता हूँ और इसके बीच में कमाल की रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन से ये देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, वाइट वाइट हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो भी पोटेशियम है वो सारा धीरे धीरे वक्त के साथ में इसके पेंदे पे आके जमा हो जाएगा, यही रिएक्शन कहती है और यही साइंस है। थोड़ा सा वेट और करते हैं। तो गाइस यार फाइनली आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा ये जो बीकर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे वाइट कलर का कुछ आके इकट्ठा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने वो जो दूसरा सॉल्यूशन था वो इसके अंदर मिलाया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो चीज़ है इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। इस वजह से बाकी सारी जो चीज़ें थी जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी पानी के अंदर घुली रह गई, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे पास निकल के आई है पोटेशियम क्लोरेट। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि ये वाला अच्छे से फिल्टर हुआ है, इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से हुई है। थोड़ा इसके अंदर बचा था, ये थोड़ा इतना अच्छे से फिल्टर आउट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो है पोटेशियम क्लोरेट जमा हो रखा है। अब हमें इसे क्या करना होगा, सुखाना होगा। तो जो इसकी सिंपल सी रिएक्शन है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास 15 केजी केलो से निकल के आ गया है KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली सुखाएंगे और सुखाने के बाद जो पोटेशियम क्लोरेट है उसे गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, ये जो हमारा KClO3 है इसके अंदर से O3 उड़ जाएगा यानी कि वो निकल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास बचेगा सिर्फ ये, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे। तो लिथियम से रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास बन जाएगा लिथियम क्लोराइड, ठीक है, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ के यानी कि पोटेशियम। तो यही तो चीज़ हमें चाहिए थी। चलो अब इसे भी फिल्टर आउट करते हैं और बाकी जो सारी अशुद्धियाँ वो भी निकालते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है वो सूख चुका है जो कि हमने केले से निकाला है। अब देखो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। कमाल की बात ये कि सारा हमने केले से ही निकाला है, ये देखो इतना सारा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम क्लोरेट है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए। इसके अंदर ब्लैक कुछ चीज़ें, आई थिंक ये कार्बन है या फिर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पूरा सूख चुका है, हम इसकी लिथियम से रिएक्शन करवा सकते हैं, हम इसे गर्म करके इससे O3 निकाल सकते हैं अभी भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार इसे एक बार और फिल्टर कर लेते हैं। मुझे नहीं, लास्ट के अंदर कोई भी रिजल्ट के अंदर कुछ भी वो नहीं चाहिए, तो एक बार फिर से इसे गीला करते हैं भाई, गीला करके इसे दोबारा से फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके उसके बाद में दोबारा से सुखाते हैं। इस चीज़ के अंदर ही मुझे 3 दिन चाहिए, फिल्ट्रेशन, सुखाना, क्या करें यार, इतना आसान थोड़ी केले से पोटेशियम निकालना। बाकी ये देखो यार, ये चीज़ केले से निकली, एक बार देखो तो सही, बहुत कीमती है मेरे लिए तो, क्योंकि मेहनत लगी इसमें बहुत।
तो गाइज यार अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें इस फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम जो है हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है जिसे हमने अच्छे से फिल्टर कर लिया है, इसे मतलब कि एक मेंटेन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे, तभी जाके जो पोटेशियम क्लोरेट है अगर वो कम टेम्परेचर रहा तो उससे क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। इसीलिए हमें वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा जिसके अंदर की O3 निकल जाए और हमें मिल जाए पोटेशियम क्लोराइड। और गाइज यार ये वाला जो स्टेप है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम और एनीवेयर, बिकॉज ये एक ऑक्सीडाइजर है, पोटेशियम क्लोरेट एक ऑक्सीडाइजर है। तो अगर इसके अंदर गलती से कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ गिर गई या फिर कुछ भी ऐसा गिर गया तो इसके अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है, आग लग सकती है। अभी आधा बैच लिया हमने, आधा बैच रखा हुआ है, जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से गर्म करेंगे। तो गाइज अभी जो है इसको मैंने भट्टी के अंदर रख दिया है। तो गाइज अभी जो हमारी फर्नेस ऑन हो चुकी है इसका जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं रहना चाहिए। गाइज फाइनली अब हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है वो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर बदल गया होगा, देखने के बाद पता पड़ेगा। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये जो हमारा कंटेनर है ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी भी। टेस्ट तो नहीं कर सकता आई थिंक, अरे हाथ जल जाएगा, पागल है क्या? ओहो ये जोश में आ गया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट था वो गर्म है, वो बदल चुका है पोटेशियम क्लोराइड के अंदर। अभी ये बहुत ज़्यादा हॉट है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से छोटे छोटे से बबल नुमा संरचना बन गई है, ये देखो। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर से O3 रिलीज हुई, यानी कि जो ऑक्सीजन O3 था वो रिलीज हुई है। वो ये ठीक वैसा ही यार जैसे अपन रोटी नहीं बनाते, रोटी के अंदर से फिर वो गैस निकलती है, उसके अंदर बुलबुले निकलते हैं, छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं ब्रेड के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर, तो ठीक वैसा ही इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा छेद हो चुके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से O3 रिलीज हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे लिथियम से। अभी हमारे पास और जो बैच है थोड़ा और जो साइड में रखा हुआ है उसको भी इसी तरीके से गर्म करते हैं और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर बदलते हैं। केला खाएगा? केला खाया? केला छिलके दो, छिलके दो इसे। कहाँ से आते हैं यार भाई लोग, कहाँ से आते हैं पता नहीं, कहाँ कहाँ से क्या आते हैं। चल तू बता दे तो फिर क्या करें इसका। जो करना है यार भाई लिथियम से रिएक्शन कराएंगे लिथियम, जो बैटरी भी नहीं होना लिथियम। तुम ट्राई मत करना घर पे, आप कर रहे हो ना। हाँ तू बंद करना। गाइज लास्ट टाइम हमने जो है अकेले से सक्सेसफुली पोटेशियम क्लोराइड बना लिया था और अच्छे से फिल्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखो ये है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा। इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी इस लिथियम से। हमने ये स्पेशल कंटेनर बनाया है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है अंदर से ये खाली है और पीछे की तरफ एक पाइप जा रहा है, इसे मैंने इस तरीके से बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो है लिथियम और ये डाल के इसे हाई टेम्परेचर पे जब हम गर्म करेंगे तो लिथियम पोटेशियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा, जिससे कि पोटेशियम अलग हो जाएगा और लिथियम क्लोराइड अलग निकल जाएगा, पोटेशियम भाप बनेगा। भाप बन के ये जो अपनी ट्यूब है ये देखो, इस ट्यूब के अंदर हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, इसके अंदर से ट्रेवल करेगा और यहाँ से नीचे आने लग जाएगा और आके मिनरल ऑयल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे की साइड में डालते हैं लिथियम, कुछ इस तरीके का होता है लिथियम मेटल, देखो। तो गाइज यार इसी से ट्राई करेंगे, ये वाला बैच बचा के रखेंगे कि अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो हमारे पास थोड़ा सा और पोटेशियम क्लोराइड बचा रहेगा रिएक्शन कराने के लिए। तो अब इस क्रूसिबल को इस तरीके से बंद कर देते हैं और इसे हाई टेम्परेचर के ऊपर दोनों चीज़ों को रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट कराने के लिए हमने क्या किया है, ये स्पेशल भट्टी बनाई है, ये देखो। तो ये जो भट्टी है इसके नीचे छेद है, तो ये जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, ये देखो, तो क्या होगा नीचे से, ये देखो ये पाइप आ गया बाहर, ये वाला जो पाइप है इसके अंदर से आएगी पोटेशियम की जो वेपर्स है वो, और वो आके सीधा ही इकट्ठा हो जाएगी इस मिनरल ऑयल के अंदर। इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे इस तरीके से और ये वाला जो पाइप है ये इसके अंदर डूब जाएगा, डूबो जान दो कुछ इस तरीके से, देखो। तो हमारा जो पोटेशियम है वो इसके अंदर इकट्ठा होना चाहिए। अब इस क्रूसिबल को गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी तो जुगाड़ लगाते हैं, बहुत सारा कोयला डालते हैं इसके अंदर। जल्दी आ गधे, जल्दी आना, भाग के आ गाइस। और फाइनली हमने जो है केले से पोटेशियम मेटल बना लिया। पास से दिखा, ये देख
गाइस नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो दो बूंदे जमा हुई है यही है पोटेशियम मेटल। हालांकि अभी हमारे पास कोयले खत्म हो गए हैं तो इसके अंदर जो माल है उसे और बनाना है, लेकिन यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है केले से हमने पोटेशियम निकाला है वो भी पोटेशियम मेटल। गाइज यार ये दो छोटी छोटी सी जो बॉल हैं ये पोटेशियम मेटल है, और इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट है ना ये ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है, क्योंकि पोटेशियम मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होता है और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करते करके ये लेयर बनाता है। लेकिन कमाल की बात ये है कि हमारे पास और भी पोटेशियम मेटल है यहाँ पे, जो कि हमने जितने भी केले थे सारा जितना भी हमारे पास वो पोटेशियम क्लोराइड मिला था हमें निकाला था उससे बनाया है। गाइज ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो सकती है, लेकिन धीरे 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 धीरे। तो गाइज यार ये है पोटेशियम मेटल, हालांकि इसके अंदर हल्की फुल्की मिट्टी भी गिर गई है, लेकिन ये अभी मिनरल ऑयल के अंदर है इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसे बाहर निकालते हैं। ओह मैन तो गाइस यार ये है फाइनली पोटेशियम मेटल। चलो इसे पानी के पास में लेके चलते हैं, पानी के अंदर फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलो आ जाओ। मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस, तो ये रहा पानी, चलो पानी के अंदर फेंक के देखते हैं कि क्या होता है। अरे पास आ जा, डर मत। तो पहले छोटा सा टुकड़ा है पोटेशियम मेटल का, इसे फेंकते हैं देखते हैं क्या होता है। ध्यान रखना, देखना। गाइस देखा आपने कितना ज्यादा रिएक्टिव था, पानी के अंदर डालते ही फट 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 फट, छोटा सा टुकड़ा था। एक और ये लिटिल वाला है, इसको फेंक के देखते हैं, फिर ये बड़े वाले को फेंकेंगे। ठीक है, देखना देखना उधर, देखते रहना। ओ चलो अब गाइस इन सभी को फेंक देते हैं एक साथ ही, ग्रैंड फिनाले। 1 2 3 दिस इज द पावर ऑफ पोटेशियम मेटल। गाइस आप देखते होंगे कि जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ में तो उसमें अभी भी हल्का हल्का, तो जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ में तो थोड़ा टाइम लगता है। अभी भी देखो कुछ कुछ जगहों पे है, अभी भी है, ये देखो, देखा आवाज यही इतना सा और है। तो जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सेम एक तरीके के ही मेटल हैं ये सारे, लेकिन पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे कि आपने देखा कितना खतरनाक था। इस बैटरी डिश को फेंक देता हूँ। ओ भाई साहब, बैटरी डिश को गला दिया इसने यार, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई था। बस इतना ही था भाई, यही था 15 kg केलो से निकला और यही थी रिएक्शन और यही थी वीडियो। ठीक है, हाँ इतना ही निकला यार, क्या करें अब। तो बस अब क्या, आप क्या, वीडियो को लाइक करो और तो क्या, और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। भाई 2 महीने लगे इसके अंदर इतना सा पोटेशियम निकालने के अंदर, लेकिन फाइनली हमारी जो चीज़ है वो काम करी। कई सारे एरर एंड ट्रायल हमने लिए। एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर हमने जो है कुछ पार्ट्स को स्किप कर दिया है। वो जो पार्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे, जो मेकिंग प्रोसेस था, तो 1-2 पार्ट को हमने स्किप किया है। इसीलिए आप ऐसा कुछ भी कहीं पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही यार, केले खाओ दबा के, सबूत है कि पोटेशियम होता है केलों के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। गाइस जो मैक्सिमम पोटेशियम मेटल था वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी काफ़ी सारा पोटेशियम जमा हो रखा है जिसे कि हमें निकालना है। ये वाली जो ट्यूब है इसके अंदर भी है, और ये जो ढक्कन खोला है इसके अंदर भी ये रखो, ये रहा मेटल। तो ये जो चमक रहा है ना गाइस, ये है पोटेशियम मेटल। ये देखो ये अनरिएक्टेड है, बाकी जितना भी ये पदार्थ है ये सारा है लिथियम क्लोराइड, और ये रहा पोटेशियम।